दोस्तों अब हम देवभान पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गणपति का मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ के बीचों बीच हुए है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम मंदिर में जाते हैं और देखते हैं मंदिर कितना सुंदर है। मंदिर तो बाहर से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये देख सकते हो आप गणपति का मंदिर। यह मंदिर चार पहाड़ों के बीचों बीच है। गणपति बाप्पा मोरया, आप देख सकते हो मंदिर बाहर से। यहाँ पे बहुत ही पर्यटक आ चुके हैं गणपति जी का दर्शन करने के लिए। अब हम जाते हैं और कुछ खाते हैं और आपको बाद में मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पे खाने के लिए आए थे तो मुझे यहाँ पे एक नदी दिखी, आप नदी देख सकते हो। ये मंदिर के बस पास ही नदी है। अरे ये मंदिर पूरा जंगल में ही है। तो दोस्तों खाना होने के बाद हमने एक बूढ़े बाबा से पूछा कि इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है। तो वो बोले कि इस मंदिर की हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस आदिवासी लोगों के लिए मंदिर बनाया गया है क्योंकि वो एक साथ साथ आ सके, उनमें एकता बढ़ सके और वो गणपति उत्सव और ऐसे बहुत सारे त्योहारों में साथ आ सके, इसलिए ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर मरीज को रुग्ण सेवा पुराई जाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वन औषधि के बारे में बताया जाता है और बहुत सारे प्रकल्प यहाँ पे किए जाते हैं इस मंदिर में। और यहाँ पे गोपालन भी किया जाता है। ये मंदिर बनाने का उनका एक ही उद्देश्य था कि वो सब लोगों को साथ में ला सके और यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार साथ मना सके, इससे एकता बढ़ती है और बस यही। दोस्तों आज हमने दो जगह पे विजिट किया, सूर्यमाल पर्यटन स्थल और ये मंदिर देवबान का मंदिर। अब हम घर चलते हैं। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, तो ये व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चलो टाटा बाय बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।